कैसे हो भाई लोग। 1st अप्रैल 2022 को एक्स के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पे एक पोस्ट अपलोड होती है जिसमें एक्स और जूस का फेस मर्ज था एंड इससे एक्स और जूस के फैंस काफी एक्साइटेड है। एक्स और जूस ऐसे दो आर्टिस्ट थे जिन्हें हिप हॉप ने बहुत जल्दी खो दिया और आज भी जूस और एक्स की कमी उनके फैंस को महसूस होती है। दो ऐसे यंग एंड अमेजिंग आर्टिस्ट जो हर एक हार्ट ब्रोकन यूथ से कनेक्ट हो जाते हैं म्यूजिक के थ्रू एंड कई लोगों का आज भी यही सवाल है कि इनके के बाद भी इनके म्यूजिक कैसे रिलीज हो रहे हैं। इन दोनों ही आर्टिस्ट की बायोग्राफी हमने कवर किया है। एक्स एंड जूस फ्रेंड्स थे एंड जब ये लोग जिंदा थे तो कभी इनका कोलैब नहीं आया, बट एक्स एंड जूस हमेशा कनेक्टेड थे एक दूसरे से। इवन एक्स एंड जूस एक दूसरे को टेक्स्ट भी किया करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि जूस एंड एक्स कभी रियल लाइफ में मिले ही नहीं थे, ये लोग बस सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे एक दूसरे से। एंड एक्स की डेथ 18 जून 2018 को हुई थी और जूस वर्ल्ड की डेथ 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। मींस 2018 और 19 दोनों काफी बड़ा लॉस था हिप हॉप के लिए एंड कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी है कि एक्स एंड जूस के डेथ के पीछे म्यूजिक इंडस्ट्री के ही इल्यूमिनाटी का हाथ है और एक्स के आईडी से जो पिक पोस्ट हुआ है वो क्यों किया गया है। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे XXXTentacion और जूस वर्ल्ड के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द मिस्ट्री कोलैब ऑफ एक्स एंड जूस वर्ल्ड। जूस वर्ल्ड एंड एक्स का कोलैब फाइनली अनाउंस हो गया है ऑफिशियली एंड इस कोलैब के बारे में हमने एक पुराने वीडियो में बात भी किया था। एंड अब तो एक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस कोलैब का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। अगर हम इस पोस्टर को देखें तो हमें हाफ एक्स और हाफ जूस का फेस दिखाई देगा एंड ये डेफिनेटली बहुत सही मूव है प्रमोशन का दोनों के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। वेल, कुछ लोग अस्यूम कर रहे हैं कि ये एक एल्बम होने वाली है एंड कई लोगों का ये कहना भी है कि ये एक सॉन्ग है, बट जो भी हो ये इतनी जल्दी तो रिलीज नहीं होने वाला है क्योंकि इन दोनों आर्टिस्टों के ऑडियंस बहुत ज्यादा है एंड सब तक ये न्यूज़ स्प्रेड होने के बाद ही लेबल इस मूव को चलेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोजेक्ट XXXTentacion पे जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसके रिलीज के आसपास ही होगा, जिससे उस डॉक्यूमेंट्री के प्रमोशनल पर्पस में भी इस सॉन्ग का यूज किया जा सके। और ये पोस्ट हुआ है एक्स के अकाउंट से, सो पॉसिबली ये एक्स का ही सॉन्ग होने के चांसेस है जिसमें जूस वर्ल्ड फीचरिंग में हो। बट देखा जाए तो जूस वर्ल्ड के बहुत सारे सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है जो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है एक्स के मुकाबले। जूस वर्ल्ड बहुत हार्डवर्किंग आर्टिस्ट थे एंड अपने डेथ के पहले उन्होंने इतने गाने रिकॉर्ड करे है जैसे कि मानो उन्हें पता ही था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। Just trying to put out my version of like what I think is like a polished product. Right. So ये सब चीजें अभी थियोरेटिकली ही है, हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये ऊपर नीचे हो जाए। सो हम ऐसे कोई भी सोर्स या कॉन्स्पिरेसी वीडियोस पे यकीन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस ये चीजें एक्स और जूस के मैनेजमेंट क्लियर करे कि ये एल्बम है या सॉन्ग। एंड एक्स के फैंस डेफिनेटली एक्स पे बनी डॉक्यूमेंट्री का वेट कर रहे हैं जो इस साल रिलीज होने में है। एक ऑर्गेनिक कोलैब एक्स और जूस का एग्जिस्ट करता है जो था वो रिमिक्स जो एक्स के एल्बम स्किन्स के लिए था, बट समहाउ वो गाना उस एल्बम में नहीं था। लेकिन इस आने वाले कोलैब को हम ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये दो अलग प्रोजेक्ट्स या सॉन्ग को मर्ज करके बनाया जाएगा जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। खैर, अभी DHH में ऑर्गेनिक वर्ड को लेके इक्का और बंटाई में कुछ तो खींचातानी चालू है। वेल, वो टॉपिक पे हम एक अलग वीडियो करेंगे। वेल, बैक टू द टॉपिक, अगर जूस एंड एक्स जिंदा होते तो अलग बात होती, फिर तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हर्ट टचिंग गाना मिलता हम सबको। खास दोनों ही आर्टिस्ट के लिरिक्स बहुत डीप एंड मीनिंगफुल है और इमोशनल भी। देखा जाए तो एक्स एंड जूस वर्ल्ड के अपने अपने कम्युनिटी है एंड एक्स के कम्युनिटी में लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस कोलैब को लेके, एंड ऐसा क्यों आगे मैं बताऊंगा आपको। बट एट द सेम टाइम जूस के कम्युनिटी में फैंस एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। अब इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं कि क्यों एक कम्युनिटी के फैंस एक्साइटेड है और एक कम्युनिटी के फैंस एक्साइटेड नहीं है। My music has literally been a tease because, like, I've learned a lot of things from the Asian culture. I've learned a lot of things from even porn stars or people before me, you know, different artists. My thing is, what you literally need to do to remain, like, on top is
XXXTentacion के ज्यादातर फैंस इस चीज से एक्साइटेड नहीं है क्योंकि X के लेबल कैपिटल म्यूजिक ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज किया है X के अनरिलीज्ड मटेरियल का. मींस गाना सिर्फ X के नाम से ही चल जाता है कॉज उस लेवल में हाइप है, बट जो चीजें नेचुरली एक आर्टिस्ट बनाता है उसकी बात अलग होती है. अब X की डेथ तब हुई थी जब X इस लेबल के साथ डील में थे. X के लास्ट एल्बम को ही देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है रैदर देन कोर ऑथेंटिक आर्ट जो आर्टिस्ट जिंदा रहता है तो कर पाता है. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids. अब यहाँ आर्टिस्ट के बदले लेबल वालों के अनुसार चीजें हो रही है कि कौन सा वर्स कौन से हुक के साथ डाले या कौन से आर्टिस्ट को फीचर करें. खैर इस चीज से प्रॉफिट कहीं ना कहीं एक्स के फैमिली को भी मिल रहा है एंड जो कोर फैंस है एक्स के जो एक्स को मिस करते हैं उनके लिए भी ये एक राहत है क्योंकि उनके फेवरेट आर्टिस्ट से उन्हें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है. लेकिन वही सवाल जनरेट होता है कि लेबल्स ऐसे ही कब तक एक्स के नाम पे पैसे कमाते रहेंगे. अब बात किया जाए जूस वर्ल्ड की तो जैसे मैंने बताया था जूस वर्ल्ड के फैंस एक्साइटेड है क्योंकि एक्स ने डेथ के पहले बहुत ही कम गाने रिकॉर्ड करे थे लेकिन जूस वर्ल्ड के हजारों अनरिलीज्ड गाने हैं जो उन्होंने अपने डेथ के पहले रिकॉर्ड करे थे एंड मैक्सिमम तो अनफिनिश्ड है बट वो चीजें इतने अमाउंट में है कि आने वाले कुछ सालों तक हमें इजिली जूस वर्ल्ड का म्यूजिक मिलता रहेगा. Even if I still make sad songs, I make them because I know what it's like to be in that low place. Like I've been like heartbroken at the worst, so like I make music kind of to guide people through that, you know, for people that don't have anybody to vent to or people that are like too scared to vent. People hear songs and want to relate to them so bad. But like when you're actually going through it or when it actually Well unfinished song means kuch verse record kar rakhe hai juice ne and kuch gaano ke ideas ke hook ya chorus record kar rakhe hai so ye sab cheezon ko unfinished track bolte hai. Yahi material mein se nikal ke Eminem aur Juice WRLD ka collab aaya tha juice ke death ke baad jo tha Godzilla. Rap for an hour, like, what the fuck? And I mean he was like I he might have been mixing a little bit of written in there with right. But the way he was freestyle like That's the shit that we used to try to do at the hip hop shop was like try to अपने डेथ के इतने साल बाद भी इनकी हाइप इस लेवल पे है कि X के Spotify पे 30 मिलियन मंथली लिसनर्स है और Juice WRLD के X से भी ज्यादा 33 मिलियन लिसनर्स है. मींस ऑलरेडी उनके लेबल और फैमिली को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनके स्ट्रीमिंग से ही. अब बात करते हैं इनके डेथ के पीछे का रीजन एंड क्या अपडेट है उनके केस में. जूस का डेथ तो ड्रग ओवरडोज से हुआ था बट स्टिल जूस के साथ जो उस टाइम उनके साथ प्लेन में थे उन पे शक गया था कॉज अगर पुलिस का ही डर था तो जूस फ्लैश भी कर सकते थे एंड ये बात खुद जूस के फोटोग्राफर ने ही बताया है. बट एनीवेज किसी पे भी एज सच क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है. अब रही बात एक्स की तो जो एक्स के किलर्स है उन पे अभी भी केस चल ही रहा है एंड बीच में ये भी सुनने को मिला था कि इंडस्ट्री के ही बड़े आर्टिस्ट चाहते थे एक्स की डेथ एंड नेट पे भी इल्यूमिनाटी से भी रिलेटेड कई कॉन्स्पिरेसी वीडियोस मिल जाएंगी. एंड जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता लेट्स वेट एंड सी क्या होता है इस केस का फैसला. फिलहाल तो वी कैन ओनली वेट फॉर द अपकमिंग कोलैब ऑफ एक्स एंड जूस वर्ल्ड. जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बोला था एक जूस या एक्स अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है तो मेक श्योर कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो इससे पहले कि देर हो जाए. तो ये था भाई लोग आज का वीडियो. अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना. बाय बाय, टेक केयर.